पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री बालाजी धाम बाबा नीम करौरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा नीम करौरी महाराज जी के आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने वाले स्मृति उत्सव को लेकर सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन निर्माणाधीन आश्रम पर किया गया, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे, जिसकी अध्यक्षता अनिल कुमार शर्मा के द्वारा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 27 फरवरी को होने वाले बाबा के 6वें स्मृति उत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सुंदरकांड, भजन कीर्तन, महायज्ञ और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले मुख्य अतिथियों के स्वागत और भक्तगण धार्मिक कार्य का पूर्ण श्रद्धा भाव से आनंद ले सकेंगे, इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महामंत्री राकेश गुप्ता द्वारा एक बार पुनः फिर से सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित विचार किया गया और कार्यक्रम को समय से आरंभ किया जाए उस पर भी विचार किया गया। इस दौरान निहाल सिंह यादव, विनीत गुप्ता, नितिन गुप्ता, गौरव अग्रवाल, बलवंत सिंह, दिनेश कुमार भंडारी, ललित कुमार कक्कड़, राजेंद्र अरोड़ा, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनोद राय, जयदेव यादव, धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज आश्रम पर मीटिंग रखी गई है। आश्रम पर होने वाला 27 फरवरी को कार्यक्रम, उसके उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई है। 27 तारीख को जिम्मेदारियाँ, जो जिम्मेदारियाँ हैं सबको बांटी गई हैं यहाँ पर। आश्रम पर बाबा के जो भक्तगण दूर से आएंगे, जो दूर दूर से आएंगे, उन लोगों की व्यवस्था सब बांटी गई है कि उन लोगों को कैसे, किसी को भक्त को हमारे परेशानी नहीं पड़े आने में। यहाँ पर आश्रम के अंदर जो कार्यक्रम होंगे वो सुबह प्रातः 8 बजे सुंदरकांड, तत्पश्चात 10:30 बजे से यज्ञ चालू हो जाएगा। एक के बाद भोग लगेगा बाबा का और भोग के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा ब्रह्म भोग के बाद। इसी तरह से यहाँ पर जो 27 फरवरी को कार्यक्रम चलेंगे यहाँ पर, उसी की जिम्मेदारी सब लोगों ने हम आपस में आज बांटी है। जैसे प्रथम बार यहाँ पर पहले प्रोग्राम हो रहा है इस स्थान पर, तो भक्तों को आने में परेशानी है, उसके लिए आपने क्या कहना बनाएंगे? भक्त जो जितने भी हमारे आएंगे, बाहर से आएंगे, मुरादाबाद से आएंगे या दिल्ली से भी आएंगे, कैंची से भी आएंगे, ऋषिकेश से भी आएंगे, उन लोगों को हमने हाईवे पर होर्डिंग की व्यवस्था कर रखी है। जो छोटे होर्डिंग हम लगवा देंगे खम्भों पर और चूना लग जाएगा, और उसमें हमने ये करा है कि होर्डिंग भी हमारे जो बड़े होर्ड बने हुए हैं, जो बराबर में होर्ड रखे खड़े हुए हैं, ये होर्डिंग भी हम रोड पर लगवा देंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था एक अपने गार्ड की या उसकी व्यवस्था कर देंगे यहाँ पर, कि जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब व्यवस्था संपन्न रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।